नमस्कार भाइयों, जो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो दिखाई थी ना, उसमें वो पेड़ दिखाए थे मैंने, जो नए नए मैंने पेयरिंग की थी जिनकी ना। अब मैं वो पेड़ दिखाता हूँ जो मेरे पुराने हैं, जो ओल्ड इज गोल्ड है, ठीक है ना, जिनका रिजल्ट मतलब मैंने ले रखा है और बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले देखो, मैं शुरुआत इस मेल से करता हूँ। ये देखो भैया, ये मेल इससे साल में से दो बार अंडे ले लूँ मैं। और ये देखो इसके पंख कबूतर के ना, ये देखो सिर्फ साल में इससे दो बार अंडे लेता हूँ। और इसका हर बच्चा उड़ता है, हर बच्चा। और थोड़ा सा उम्र सी होगी इस कबूतर की, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट देता है इसको। ये भाई देख लो, ये अल्फा मेल है अपनी छत का ना, शान है छत की। और पिलके भी बच्चे यही बनाता है मेरे पास, सेंधे भी यही बनाता है, मखियारे भी यही बनाता है, बहुत अच्छे उड़ते हैं भाई मेरे पास इसके बच्चे ना। ये कबूतर है, ये भाई जीरा कबूतर है, खपरा है, खपरा बोलते हैं हम इसको, जीरे और नफ्तों में होते हैं जो, ठीक है। इसके भी बच्चे भाई बहुत तगड़े उड़ते हैं मेरे पास जीरे। मादिन तो मर गई इसकी बेचारी की, नर बचाया, जब जोड़ लगाऊंगा इसका। ये इसके पंजे हैं, ये है भाई कबूतर देख लो, बहुत अच्छे बच्चे उड़ाते हैं मेरे पास, जीरे बच्चे बनते हैं इसके। वो जो मैंने हरी आग की जीरी मादिन दिखाई थी ना आपको, वो इसी की पट्टी थी जो पहले वाली वीडियो में दिखाई थी। एक ही है भाई जीरा नर, इसके भी जीरे बच्चे बहुत अच्छे उड़ते हैं मेरे पास। ये अपना घोड़ा कबूतर है, ये मेरे पुराने पेयर हैं भाई, जो मतलब लेजेंड है ना, वो दिखा रहा हूँ। तो ये देखो नफ्ते जीरे बच्चे बनाता है, ये देखो, ये देखो बहुत अच्छे बच्चे उड़ते हैं इसके पास। ये देखो भाई, ये है वो नर, अब तो ये भी थोड़ी सी उम्र हो गई इसकी। ये भाई अपना मिसाइल, ये अपना चितला कबूतर भाई, ठीक है। इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ते हैं भाई, दिखाऊंगा आपको। अभी चार बच्चे मेरे पास उसके नफ्ते, कल परे कल दूमे में बनाता है भाई, ये नफ्ते ही बनाता है, ठीक है ना। ये इसके पंजे, ये रहा भाई कबूतर देख लो। ये भाई इसकी मादिन भी दिखाता हूँ अभी आपको। ये भाई जीरी मादिन है, जो मैंने अभी आपको नर दिखाया ना चितला, उसकी मादिन है, कासनी में जीरी भी निकली हुई है, ये देखो। ये भाई अपनी बहुत पुरानी नस्ल थी सफेद पूछ के, पहले पिलके आते थे सफेद पूछ के हमारे पास ना, ये उनमें से है मादिन आखिरी बची है, देख लो आप पूछ, देखो आपकी मादिन की सफेद मिलेगी आपको, ठीक है जी। उस नस्ल में है भाई ये, बहुत उड़ते हैं बहुत, इसलिए मैंने उस नर से लगा रखी। और बच्चे भी इनके दिखाऊंगा आपको भी, अगली वीडियो में उड़ाने वाले दिखाऊंगा सारे, उनमें भाई इसके बच्चे बहुत उड़ते हैं, बहुत तगड़ा रिजल्ट है इसका। ये है भाई देख लो पूरा पेयर, बहुत उड़ते हैं इनके बच्चे मेरे पास, दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में। ये है भाई अपना नफ्ता कबूतर, ये गर्मियों का बादशाह कबूतर है भाई, गर्मियों में इसकी उड़ान मेन, गर्मियों में उड़ाता हूँ मैं इसे। इस बार मैंने जोड़ों के लिए रोक दिया ये ना। और इसकी खासियत ये है भाई, पंख में मूवमेंट नहीं है इसके परों में ना, बहुत मतलब बहुत अच्छी उड़ान का कबूतर है मेरा नफ्ता। इससे मैंने मादिन लगा रखी है अभी नफ्ती, दिखाऊंगा आपको, अभी जोड़ों के लिए रोक लिया है, बहुत अच्छा कबूतर है मेरा ये भाई, मेरी नफ्ती मादिन है, ठीक है। लोग बोलते ना गहरी आंखें लंबे चेहरे, ना तो देखो उसमें नर की गहरी आंखें थी, ना उसमें देखो मादिन की इतनी गहरी आंखें है, लेकिन उड़ान आर पार। लोग कहते ना, कहते हैं कि एक नर होता है जिससे कोई सी मादिन लगा दो तो बच्चे उड़ते हैं, यहाँ उल्टा है, ये वो मादिन है भाई, इससे मैंने हर नर लगाया तब भी इसने बच्चे उड़ाए, तो इसे मैंने हल्के से हल्का नर लगाया तब भी इसने बच्चे उड़ाए, और तगड़े से तगड़ा नर लगाया तब भी बच्चे उड़ाए। सबसे तगड़ी मादिन है मेरी छत की नफ्ती मादिन, ये देखो पंख, देखो मादिन है, ये पंजे देखो अंडे पे है, इसे थोड़ा आराम से पकड़ रहा हूँ भाई, बहुत तगड़ा रिजल्ट है इस मादिन का। अब इससे मैंने वो नया नफ्ता पट्टा लगाया, अभी नया जोड़ा बनाया, लेकिन बहुत तगड़ा रिजल्ट है इसका।
ये भाई जोड़ा देख लो नफ्तों का, उस महादिन का तो रिजल्ट ही बहुत तगड़ा है मेरे पास नफ्ती का, तो आर पार की चीज़ है। बाकी ये पट्ठा भी मेरा बहुत अच्छा उड़ता हुआ है, अभी मैंने डाला जोड़ों में। और इसकी भी अपनी एक खास वो है भाई कहानी इसकी, कि एक टाइम पे जो ये दीवार से पीछे वाला ना कमरा था, इसमें मैंने 70 जोड़े लगाए थे, 70 के आसपास, 70-72 के आसपास। तो उसमें से एक जोड़े का अंडा था ये, जो मतलब ऐसी किसी जोड़े ने रख दिया था और पता ही नहीं लगा था कि किस जोड़े का पट्ठा है, ये जो नफ्ता है ना ये वाला, पता ही नहीं लगा था किस जोड़े का पट्ठा है। और मैंने दूसरे जोड़े के नीचे इसका रख दिया था मतलब ये अंडा, और फिर इसमें जब ये बच्चा निकला तो शुरुआत में टेढ़ा हो गया था ये, और बहुत उड़ा मेरे पास, बहुत उड़ा, आज तक यही नहीं पता चला कि कौन से जोड़े का है। हालांकि मैंने काफ़ी जोड़े सेल कर दिए हैं अब, तो पता ही नहीं आज तक किस जोड़े का, लेकिन रिजल्ट बहुत तगड़ा है इस पट्ठे का। तो ये स्टोरी है इसकी, अब इसकी नस्ल बनाएंगे भाई हफ्तों की। देखो ये है एक, ये भाई लाल मादिन है, ठीक है। इसका ऐसा है कि इसका नर मैंने भी ऊपर डाल रखा है उड़ाने के लिए, पंख खींच रखे हैं उसके, पर पटेकर रखी है। तो इस मादिन का भी भाई अपने रिजल्ट है, इसकी खासियत ये है इसके बच्चे की बहुत उड़ते हैं बहुत, और हर बच्चे की आँख इसकी मतलब अलग ही मिलेगी आपको, आँखें हर बच्चे की अलग, और रंग भी हर बच्चे का अलग कलर आएगा। और उड़ान तो भाई कहने की जरूरत ही है। ऊपर ऐसा नर दिखाऊँगा, अभी थोड़ा सा पकड़ नहीं सकता ना उसको, पंख खींच रखे। ये है भाई वो लाल मादिन देख लो, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, देख लो भाई ये है, बहुत तगड़ा रिजल्ट है इस मादिन का। नर तो मैंने अभी इसका ऊपर छोड़ रखा है उड़ाने के लिए, बच्चे दिखाऊंगा आपको इसके अगली वीडियो में ना। ये भाई अपना सफेद नीलदुमा कबूतर, ठीक है, सांप। अब तो नथुने मोटे करते जा रहा है अपनी, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है। बहुत तगड़ा रिजल्ट है भाई इसका भी, बहुत तगड़ा, कल्दू में बच्चे बनाता है। और इसकी खासियत ये है भाई, इसके जितने बच्चे हैं सारी मादिन निकालता है, कल्दूमी नीलदुमी मादिन, ठीक है जी। ये देखो नीलदुमे में निकल रहा है कबूतर, हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। जो पहले मैंने आपको नफ्ती मादिन दिखाई थी ना, उसी से लगाया था, अब मैंने इसका जोड़ा चेंज किया है, मादिन चेंज की है, अब देखता हूँ इसका उस मादिन से क्या बच्चे उड़ाता, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है इस कबूतर का। ये रहा भाई देख लो बैठक, देखो कबूतर की सबसे मेन चीज, इसलिए इसको सांप कहते हैं भाई। ये देखो ये रहा, बिल्कुल सहारनपुरी जैसा है, और उड़ान बहुत है इसके बच्चों में। ये भाई अपनी मखियारी मादिन, ये भी कुछ भाई उस नफ्ती मादिन की तरह ही है। ये देखो आप मादिन के पंख, इस मादिन का भी ये रिकॉर्ड रहा है भाई, इसको जिस नर्सरी मैंने लगाया उससे इसने बच्चे उड़ाए हैं, बहुत अच्छी, खुद भी मेरे पास बहुत अच्छी उड़ी हुई है मादिन। ये जो मैंने आपको जीरी मादिन दिखाई थी ना सफेद पूछ वाली, ये उसके साथ की मादिन है, मतलब उसकी खानदान में ही है, पीछे से बहन नहीं है, ये दो ही बची है मेरे पास आखिरी, उसमें उस नस्लों में ना जो सफेद पूछ वाली नस्लें थी, दो मादिन बची है बस आखिरी की, एक ये और एक वो सफेद पूछ वाली जीरी, अब इनकी नस्ल बना रहा हूँ भाई। ये भाई देख लो वो मादिन जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ना, बहुत अच्छी, इसकी पट्टियाँ दिखाऊँ आपको ऊपर है, सेम टू सेम ऐसी स्टार्ट कर। ये भाई पीला कबूतर है, ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको वीडियो में, इसकी स्टोरी बताता हूँ भाई। ये अपने चाचा के यहाँ की नस्ल है, ठीक है, बिनु चाचा के यहाँ की। भाई इनकी खासियत ये है कि इसका जो बड़े वाला भाई था ना, मैं लेके आया था उनसे, बहुत उड़ा था मेरे पास, बहुत, लोग कहते हैं ना ये वाला कलर उड़ते नहीं है, भाई ये बहुत उड़ते, ये ब्रीड बहुत उड़ती है, इसलिए मैं अब इसकी नस्ल बना रहा हूँ। कलर भी देख लो आप, बहुत प्यारा कलर है इसका, ये देखो, और उड़ान भी बहुत है, बहुत अच्छा उड़ता है मेरा ना, इसलिए अब इसकी नस्ल बना रहा हूँ भाई, देख लो बहुत अच्छा। ये देख लो भाई, ये पेयर है पूरा, ठीक है, नर इनमें भाई ऐसी लगते हैं, और मादिन इनमें ये निकलती है, मतलब भूरी नर इसमें ऐसी निकलते हैं, हालांकि पीली मादिन भी निकलती हैं, है चाचा के पास है पीली मादिन,
लेकिन मेरे पास यही, मैंने अभी जोड़ा ही लगा रखा है पेयर, उनके पास है पीली बड़ी मादिन, जो इनकी बड़ी है ना सबसे बड़ी मादिन फीमेल, उनके पास पीली है, तो ये मादिन जनरली तो यही लगती है फीमेल इनमें, देख लो आप बहुत उड़ते हैं भाई ये। एक ये भाई सैंधी मादिन है, ठीक है, इसका भी रिजल्ट कुछ ऐसे ही है जैसे उन दो मादिनों का मैंने बताया था ना, बहुत तगड़ा रिजल्ट है इस मादिन का भी। अभी इससे नर मैंने चेंज किया था सैंधा, ठीक है, क्योंकि जो अपना मेन नर था ना वो थोड़ा सा रेस्ट मांग रहा था, उसको रेस्ट दे रखा है, देखो मैं दिखाऊंगा आपको। देखो इस मादिन की मेन है, लेकिन अभी इसे रेस्ट पे दे रखा है मैंने नर को थोड़ा सा, इसलिए मादिन चेंज की थी नर से, बहुत बड़ा रिजल्ट है इस मादिन का भी, और ये नर की तो बात ही नहीं करनी, ये तो अपने आप ही किंग है ये भाई मेन मादिन, ठीक है, अभी इसे नर चेंज किया था। ये अपने कुछ पेयर्स थे जो मेरे मेन पेयर थे, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दिखाई थी वो मैंने की अभी न्यू पेयरिंग, लेकिन जो मैंने अभी आपको कबूतर दिखाया ना, ये मेरे छत के सब मतलब अल्फा पिजन्स है सारे, एक से बढ़ के इन सबके रिजल्ट मतलब आर पार वाले हैं, ये जोड़े थे भाई जो मेरे मेन थे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, मैं उनको उस वीडियो में इनके पट्टे दिखाऊंगा आपको, जो मेरे पास अभी करंट में इनके पट्टे उड़ते हैं वो पट्टे दिखाऊंगा, जो बड़े भी हो चुके हैं, नर मादिन हो चुके हैं, कबूतर हो चुके हैं पूरे, लेकिन जो इस गर्मी में उड़ेंगे वो दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।